वेलकम अगेन फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज महीने का फर्स्ट डे है, 1 नवंबर। तो इस वीडियो में आप लोगों को जो भी वैकेंसियाँ आज को मिलेंगी, वो क्लाइंट इंटरव्यू आज या कल हो रहा है उसके लिए, जिसका इंटरव्यू चल रहा है आज और कल में 1 और 2 नवंबर को, वही सब वैकेंसियाँ है इसमें, जिसके लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो में आखिर तक बने रहे, जो कौन सी वैकेंसी किस ऑफिस से कहाँ के लिए है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वैकेंसी है सऊदी अरब के लिए है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए है। इसका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा क्लाइंट से, पहले सीवी सिलेक्शन हो रहा है ऑफिस के थ्रू, फिर उसके बाद क्लाइंट इंटरव्यू होगा इसका सीवी सिलेक्शन के लिए जेरी वर्गीज ऑफिस से। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है व्हील लोडर ऑपरेटर की, क्रेन ऑपरेटर, कॉम्पैक्टर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, एक्सवेटर ऑपरेटर और बुलडोजर ऑपरेटर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। इन सभी को अप्लाई करने के लिए आपको सऊदी अरब का वैलिड या एक्सपायर लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 3 साल का गल्फ का है। इंग्लिश और अरबिक लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जेरी वर्गीज ऑफिस से। अप्लाई करने के लिए आप मुंबई के ऑफिस में अपना CV मेल कर दें projects1@jbcindia.in पे। ये जेरी वर्गीज ऑफिस से सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी यूनाइटेड अरब इमारत के लिए एयर कंडीशनिंग कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, ये भी जेरी वर्गीज ऑफिस से है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है BRF टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन ITI और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें BRF मेंटेनेंस का। AC टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए और कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मल्टी टास्क MAP टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, या इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन ITI और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट AC टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन SSLC या ITI पास होना चाहिए और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर AC टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, जिसे क्वालिफिकेशन ITI या डिप्लोमा होना चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, SSC पास होना चाहिए और कम से कम 3 साल का AC हेल्पर में काम किए हो। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यूनाइटेड अरब इमारत के लिए जेरी वर्गीज ऑफिस से रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आप अपना CV इनको मेल कर दें, मुंबई, बेंगलोर, बड़ोदरा, जो भी आपको अच्छा लगे जिस स्टेट में, वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप अपना CV इनको मेल कर दें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है नासिर अल हाजरी कंपनी से बहरीन के लिए रिक्वायरमेंट है। इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है एशिया पावर ओवरसीज ऑफिस में। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है पाइप फिटर रिगर की रिक्वायरमेंट है, रिगर लेवल 2 के लिए, जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और रिगर लेवल 3 के लिए चाहिए, इनके पास भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फिटर की रिक्वायरमेंट है और स्काफ होल्डर की रिक्वायरमेंट है, इनके पास भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसे अप्लाई करने के लिए आप एशिया पावर ओवरसीज में अपना CV मेल कर सकते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने नियरेस्ट ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एशिया पावर ओवरसीज का कॉन्टेक्ट नहीं है, ईमेल ID नहीं है, तो आप हमें कॉमेंट करें, हम कॉमेंट में आपको दे देंगे। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ये अरामको कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, नासिर ओवरसीज ऑफिस से इसका रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है AC टेक्नीशियन कम ऑटो इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट है। इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, इसका क्लाइंट इंटरव्यू जो है स्काइप पे या वीडियो कॉलिंग पे होगा, जूम पे, जिससे भी हो सके। इसको अप्लाई करने के लिए आप आज CV इनको मेल कर सकते हैं। मेल करने का इनका ID है julie@nasirs.org, और मेल करने के बाद एक बार कॉन्टैक्ट इनसे कर ले। किसी भी ऑफिस में अगर आप कॉन्टैक्ट करते हो, अगर वो फ़ोन नहीं उठाते हैं तो वो बहुत बिजी होते हैं। आप हो सकता है कि थोड़ा टाइम के बाद कॉल करें। किसी भी ऑफिस में आप कॉल करते हैं तो 10 से लेकर 4 के बीच में करें, और लंच का टाइम भी देख लें, क्योंकि उनको भी लंच करना होता है। तो आप उसी टाइम से आप कॉल करें कि 8-10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। अगर एक बार दो बार कॉल नहीं उठाते तो वो बहुत बिजी चलते हैं, इसकी वजह से कॉल नहीं उठाते, आप दोबारा ट्राई करें, ज़रूर कॉल उठाएँगे वो। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें हॉस्पिटल फील्ड का रिक्वायरमेंट है। अगर आप हॉस्पिटल फील्ड से एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इसके लिए जेरी वर्गीज से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपका जॉब है तो आप हॉस्पिटल फील्ड से आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई करें जेरी वर्गीज से। आप अपने नियरेस्ट ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, बेंगलोर, न्यू दिल्ली, जो भी आपका नियरेस्ट ऑफिस होता है वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, नासिर अल हाजरी कंपनी के लिए। इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, प्लानिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। इनका एक्सपीरियंस, इनका क्वालिफिकेशन बीटेक होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग में, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नासिर अल हाजरी कंपनी के लिए। एशिया पावर ओवरसीज ऑफिस से ये रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब में। नेक्स्ट वैकेंसी पोलैंड के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कोरियन कंपनी है। इसका सीबी सिलेक्शन एशिया पावर ओवरसीज ऑफिस में चल रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, फीमेल अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। ये ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएस अकाउंटेंसी के, और इनका अकाउंटेंट में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एशिया पावर ओवरसीज ऑफिस से, पोलैंड के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, रेडीमिक्स कंपनी के लिए। इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू मुंबई में आज 1 और 2 नवंबर को हो रहा है। बड़ी वैकेंसी है, इसका शॉर्ट लिस्टिंग जो हुआ था उसका आज फाइनल इंटरव्यू हो रहा है। इसके में अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, फिनिशिंग मेसन की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपका एज जो है 25 से 40 के अंदर होना चाहिए, और इंडियन एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम घी वाला ग्लोबल ऑफिस से इसका क्लाइंट इंटरव्यू आज चलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड लिंक ऑफिस से। इसका क्लाइंट इंटरव्यू आज 1 नवंबर और 2 नवंबर को होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी होंगी, हार्ड सर्विस कोऑर्डिनेटर, एफएम कोऑर्डिनेटर, ट्रांजेक्शन एडमिनिस्टर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, स्टोर कीपर, वेयर हाउस इंचार्ज, एडमिनिस्टर, हाई वोल्ट लो वोल्ट टेक्नीशियन डेवा सर्टिफाइड के साथ, सीएफएम एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजिशन सुपरवाइजर, हेल्प डेस्क ऑपरेटिव, अकाउंटेंट, लॉन्ड्री ऑपरेटिव, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटिव, एसी टेक्नीशियन, जनरेटर टेक्नीशियन, क्लीनिंग सुपरवाइजर, फायर इंजीनियर, एमएपी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, एचबीएसी टेक्नीशियन, लॉन्ड्री सुपरवाइजर, मैकेनिकल टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। ये सभी वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है। इसका क्लाइंट इंटरव्यू आज और कल होगा मुंबई के इंटरनेशनल ट्रेडलिंग ऑफिस में। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए लॉन्ग टर्म जॉब है, ये फ्री रिक्वायरमेंट है अल्फनार कंपनी के लिए बेटा कंसल्टेंसी ऑफिस से। इसका क्लाइंट इंटरव्यू आज 1 नवंबर को हो रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, प्रोडक्शन फोरमैन, सीएनसी ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है पंचिंग बेंडिंग मिलिंग मशीन के लिए, वीईडीएम ऑपरेटर, सीएनसी प्रोग्रामर, स्टोर कीपर, टूल रूम टेक्नीशियन, क्यूए क्यूसी इंस्पेक्टर मॉल्स में, मेंटेनेंस टेक्नीशियन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एचबीएससी के लिए, मेंटेनेंस फोरमैन की रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, कुक एंड असिस्टेंट कुक की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन टेक्नीशियन चाहिए केबल में, लेबोरेटरी टेक्नीशियन केबल के लिए, हैवी ड्यूटी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है जिसके पास सऊदी का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इन सभी को अप्लाई करने के लिए आपका एज जो है 22 से 35 के अंदर है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अल्फनार कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। इसका क्लाइंट इंटरव्यू बेटा कंसल्टेंसी ऑफिस में हो रहा है मुंबई में, फ्री रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, ये भी अल्फनार कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म जॉब के लिए फ्री रिक्वायरमेंट है। इसका क्लाइंट इंटरव्यू आज 1 नवंबर को मुंबई में हो रहा है बेटा कंसल्टेंसी ऑफिस से। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, वायरमैन की रिक्वायरमेंट है मीडियम वोल्ट लो वोल्ट पैनल स्विच गर एमसीसी के लिए, असेंबलर की रिक्वायरमेंट है जो मीडियम वोल्ट लो वोल्ट स्विच गर एमसीसी आरएमयू एमसीसी भी बीसीबी का असेंबलर कर सके, टेस्टिंग कमीशनिंग टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है मीडियम वोल्ट स्विच गर के लिए, और ड्राफ्टमैन प्रोडक्शन फोरमैन टिग वेल्डर की रिक्वायरमेंट है। इन सभी को अप्लाई करने के लिए इससे रिलेटेड आपको क्वालिफिकेशन आईटीआई और 3 साल का एक्सपीरियंस है, और आपका एज जो है 22 से लेकर 30 के अंदर है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा कंसल्टेंसी ऑफिस से सऊदी अरब के लिए फ्री रिक्वायरमेंट अल्फनार कंपनी में। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए अल हुदैब एचआर कंसल्टेंसी ऑफिस से। इसका क्लाइंट इंटरव्यू आज 1 नवंबर को हो रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन सब स्टेशन के लिए, स्टील फिक्सर, प्लम्बर, शटरिंग कारपेंटर, पाइप फैब्रिकेटर, पाइप फिटर, मेसन की रिक्वायरमेंट है ऑलराउंडर में, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, फायर वॉच, ऑटो के ड्राफ्टमैन सिविल में, सेफ्टी ऑफिसर, क्वांटिटी सर्वेयर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, एडमिन असिस्टेंट, टाइम कीपर, सेफ्टी डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट, परमिट रिसीवर एपीआर में, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, मटेरियल कंट्रोलर, और ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है ट्रेलर के लिए और लाइट ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटर चाहिए जेसीबी बॉबकेट और क्रेन के लिए,
इन सभी को ड्राइवर और ऑपरेटर के पास सऊदी का वैलिड या एक्सपायर लाइसेंस होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है डीजल मैकेनिक, कार मैकेनिक, हाइड्रोलिक मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है, और फोरमैन चाहिए इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए। सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है इंस्ट्रूमेंट सिविल स्ट्रक्चरल पाइपिंग CS में, और इंस्पेक्टर चाहिए ENI क्वालिटी मैकेनिकल पाइपिंग क्वालिटी GRP सिविल स्ट्रक्चरल QC के लिए। इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल इस्टीमेशन मैकेनिक पाइपिंग GRP में, सिविल स्ट्रक्चरल मैकेनिकल पाइपिंग हेवी इक्विपमेंट मैकेनिक के लिए इंजीनियर चाहिए। मैनेजर की रिक्वायरमेंट है जो बिजनेस डेवलपमेंट और वर्कशॉप के लिए मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। ये वैकेंसी अल हुदैब HR कंसल्टेंसी से, इसका आज मुंबई में 1 नवंबर को क्लाइंट इंटरव्यू हो रहा है सऊदी अरब के लिए। इसका वीज़ा रेडी है, बहुत ही जल्द फ्लाइट होगा। इसे अप्लाई करने के लिए जो आपका एज है 24 से लेकर 40 के अंदर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्लाइंट इंटरव्यू हो रहा है अल हुदैब HR कंसल्टेंट्स ऑफिस में। नेक्स्ट वैकेंसी यूरोप में रोमानिया के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। इसका इंटरव्यू जो है आज न्यू दिल्ली में त्रेहान कंसुलेंट ऑफिस से हो रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है प्रेस ब्रेक ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। इनका सैलरी जो है यूरो में 550 यूरो प्लस फूड के लिए 100 यूरो मिलेगा, और मिलिंग मशीन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। इनका सैलरी 550 यूरो प्लस फूड के लिए 100 यूरो रहेगा। इसे अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस और बेसिक इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए, गल्फ का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको दिल्ली के त्रेहान कंसल्टेंट ऑफिस में विजिट करना होगा। आपने अगर कोई काम किया होगा तो उसका 3-4 मिनट का कम से कम वीडियो बना करके लेकर के जाए इसके लिए। नेक्स्ट वैकेंसी कुवैत के लिए है कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के लिए MGU ग्लोबल ऑफिस से। इसका क्लाइंट इंटरव्यू आज 1 नवंबर और 2 नवंबर को मुंबई में हो रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है मास्टर कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है, कारपेंटर असिस्टेंट कारपेंटर CNC ऑपरेटर और सेंडिंग एंड पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट है। इन सभी को इनसे रिलेटेड अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए MGU ग्लोबल में आज इसका क्लाइंट इंटरव्यू हो रहा है कुवैत के लिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिस विजिट करना होगा क्लाइंट इंटरव्यू में। नेक्स्ट वैकेंसी दुबई के लिए है ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है पायोनियर ट्रॉल ऑफिस से। इसका क्लाइंट इंटरव्यू आज 1 नवंबर को हो रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है मेल नर्स, स्टोर कीपर, IT ऑफिसर, यूनिट मटेरियल कोऑर्डिनेटर, टाइम कीपर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, रिगिंग सुपरवाइजर, हाइड्रोजेटिंग सुपरवाइजर, कैंप बॉस, कैटलाइस्ट सुपरवाइजर, स्टोर सुपरवाइजर, एडमिन सुपरवाइजर, एडमिन कोऑर्डिनेटर, कैटलाइस्ट टेक्नीशियन, फैब्रिकेटर, हेल्पर चाहिए HSC और स्टोर और एडमिन के लिए, मैकेनिकल फिटर, इलेक्ट्रीशियन, जॉइंटर, रिगर, वेल्डर, होल वॉच, फायर वॉच, HPWJ ऑपरेटर, बंडल पुलर ऑपरेटर, हाइड्रोजेटर की रिक्वायरमेंट है। ये सभी वैकेंसी पायोनियर ट्रॉल्स ऑफिस दुबई के लिए शट डाउन प्रोजेक्ट के लिए। इसका क्लाइंट इंटरव्यू आज 1 नवंबर को मुंबई में हो रहा है। नेक्स्ट वैकेंसी अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस से कतर के लिए शट डाउन जॉब है। इसका क्लाइंट इंटरव्यू बहुत ही जल्द हो रहा है, ये फ्री रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है हाइड्रोजेटर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 3 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस है शट डाउन से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस से ये शट डाउन जॉब है, फ्री रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए शट डाउन प्रोजेक्ट है अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस से, फ्री रिक्वायरमेंट है। इसका क्लाइंट इंटरव्यू आज 1 नवंबर को मुंबई में हो रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है बस ड्राइवर, लाइट ड्राइवर और हेवी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास कतर का वैलिड या एक्सपायर लाइसेंस होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस से फ्री रिक्वायरमेंट है कतर के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी बहरीन के लिए है, लॉन्ग टर्म जॉब है ऑयल एंड गैस कंपनी के लिए। क्लाइंट इंटरव्यू आज 1 नवंबर को मुंबई में हो रहा है अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस से। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है रिगर की रिक्वायरमेंट है Level 2 और Level 3 में, स्काप होल्डर, QC इंस्पेक्टर प्लांट और इक्विपमेंट के लिए, QC इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में, QC इंस्पेक्टर इंस्ट्रूमेशन के लिए, QC इंस्पेक्टर पेंटिंग एंड कोटिंग के लिए, QC इंस्पेक्टर पाइपिंग के लिए, QC इंस्पेक्टर रोटेटिंग इक्विपमेंट के लिए, QC इंस्पेक्टर स्ट्रक्चरल के लिए, QC इंस्पेक्टर वेल्डिंग के लिए। इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है पाइपिंग में
इंजीनियर प्लानिंग और मैकेनिकल के लिए, इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है प्लानिंग एंड पाइपिंग के लिए, इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है QA QC और मैकेनिकल में, इंजीनियर चाहिए QA QC पाइपिंग के लिए, इंजीनियर स्ट्रक्चरल के लिए, फोरमैन की रिक्वायरमेंट है मिल राइट फिटर के लिए, फोरमैन फिटर, फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, फोरमैन रिगिंग के लिए, सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल और पाइपिंग में, फोरमैन की रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल के लिए, सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल के लिए, इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है QA QC इलेक्ट्रिकल एंड इंस्टूमेशन के लिए, क्वांटिटी सर्वेयर की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्टूमेशन के लिए, इंजीनियर चाहिए प्लानिंग इलेक्ट्रिकल एंड इंस्टूमेशन के लिए, पाइप फिटर, स्ट्रक्चरल फिटर, सेफ्टी ऑफिसर, स्टोर कीपर, HR ऑफिसर, HR मैनेजर, वेलफेयर ऑफिसर, टाइम कीपर, कैंप एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर मटेरियल कंट्रोल में, मैनेजर पाइपिंग के लिए, सुपरवाइजर E&I में, सुपरिटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है पाइपिंग के लिए, सुपरिटेंडेंट E&I के लिए, सुपरिटेंडेंट रिगिंग के लिए, सुपरिटेंडेंट इक्विपमेंट के लिए, सुपरिटेंडेंट स्ट्रक्चरल के लिए, क्वांटिटी सर्वेयर चाहिए मैकेनिकल में, सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल रिगिंग के लिए, सुपरवाइजर मैकेनिकल इक्विपमेंट के लिए। ये सभी ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है और इसको अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 3 साल का गल्फ का ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट से एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहरीन के लिए लॉन्ग टर्म जॉब है अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस से। नेक्स्ट वैकेंसी बहरीन के लिए है, लॉन्ग टर्म जॉब है, इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू आज 1 नवंबर को हो रहा है अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस में। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, पाइप फैब्रिकेटर, इनका क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए, मशीन ऑपरेटर, मैकेनिकल फिटर ITI क्वालिफिकेशन के साथ, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी ऑफिसर, निम्बुज कंपलसरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वेल्डर की रिक्वायरमेंट है इनके पास ITI होना चाहिए, एल्युमिनियम वेल्डर, हेवी ड्राइवर, लेबरर, मेसन, ब्लैक स्मिथ, सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। इन सभी को अप्लाई करने के लिए आपको गल्फ का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस से। इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू आज मुंबई में हो रहा है अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस से। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, नासिर ओवरसीज कंसुलेंट ऑफिस से। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, ड्राफ्ट मैन की रिक्वायरमेंट है, इन्हें अप्लाई करने के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनको डिजाइनिंग फैब्रिकेशन, स्टील वर्क इंस्टॉलेशन में और ऑटोकैड 2D 3D का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नासिर ओवरसीज कंसुलेंट ऑफिस से। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, लॉन्ग टर्म जॉब है, फ्री रिक्वायरमेंट है, इसका क्लाइंट इंटरव्यू आज 1 नवंबर को अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस में हो रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है बस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, अप्लाई करने के लिए आपके पास वैलिड या एक्सपायर सऊदी अरब का लाइसेंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आज इसका क्लाइंट इंटरव्यू हो रहा है, लॉन्ग टर्म जॉब है, फ्री रिक्वायरमेंट है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा आपसे। तो ये कुछ वैकेंसी है जिसके लिए आप आज और कल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस विजिट करना होगा, क्लाइंट इंटरव्यू हो रहा है और जिसका CV सिलेक्शन हो रहा है उसके लिए आप CV सिलेक्शन के लिए अपना CV मेल कर सकते हैं। ये सभी वैकेंसी अच्छे कंपनी के लिए अच्छे ऑफिस से है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फ्री रिक्वायरमेंट भी है और कुछ चार्जेबल भी है। तो आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपका बहुत से पैसे बचेंगे, एजेंट से बच जाएंगे आप। एजेंट क्या है कि डबल चार्ज कर देते हैं आपको, जो ऑफिस से चार्ज होता है उससे ज़्यादा डबल चार्ज कर देते हैं। तो इसमें आपका वैकेंसी है तो आप इसके लिए डायरेक्ट ऑफिस विजिट करके अप्लाई करें, और अप्लाई करने में कोई परेशानी होते तो आप ऑफिस वाले से कॉन्टेक्ट करें, वो आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर वो फ़ोन नहीं भी उठाते हैं तो आप एक बार दो बार ज़रूर कॉल करें, वो बिजी होने की वजह से फ़ोन नहीं उठाते। तो इसमें आपका वैकेंसी है तो डायरेक्ट अप्लाई कर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आने वाले वैकेंसी से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू।